क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। चलिए देखते हैं इसके लिए। मान pn कॉलन 3 का पावर 2n प्लस 2 माइनस का 8n माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। संख्या 8 से भाज्य है। चलिए स्टेप पहला देखते हैं। इसके बाद n बराबर 1 पर पी वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस का 8 इंटू में 1 और माइनस में 9। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 2 4, 3 का पावर 4 तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81 और माइनस का 8 कम 8 और 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। या घटाते हैं ग्यारह में से 7 या 4, यहाँ पे 7 बचे 7 में से 1 या 6 64 आ गया। तो यह संख्या 8 से भाज्य है ना जी, संख्या 8 से भाज्य है, 8 से भाग लग जाएगा इसमें। चलिए अब इसलिए ये क्या हो जाएगा, P1 सत्य है, P1 जो है हमारा सत्य है। स्टेप टू है ना, स्टेप टू में माना कि पी के सत्य है, पी के सत्य है यानी कहने का मतलब इनके जगह के कर देना है। क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है। संख्या 8 से भाज्य है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 3 का पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 को हम लोग 8 लैम्डा मान देते हैं, क्योंकि 8 से भाज्य है तो 8 का मल्टीपल होगा ना, यह तभी तो हो रहा है ना, इसे हम लोग माने हैं। चलिए तो साबित करना है, तो साबित करना है कि पी के प्लस 1 सत्य है, पी के प्लस 1 क्या है, सत्य है। चलिए कहने का मतलब कि हमें यहाँ पे के जगह के प्लस 1 कर देना होगा, यानी हो जाएगा 3 का पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2, देख रहे हैं ना, माइनस का 8 के प्लस 1 माइनस 9 संख्या 8 से भाज्य है, यह हमें दिखाना है। चलिए बहुत ही सिंपल सा है, चलिए इसको लेते हैं और इसको साबित करके दिखाते हैं। 3 का पावर 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 का 8 इंटू में के प्लस 1 माइनस 9, इसे हम लोग सॉल्व करके दिखा देते हैं कि यह 8 का मल्टीपल है तो 8 से भाज्य हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 का पावर 2k प्लस 2 इंटू कर दिया और इसे मैं अलग कर देता हूँ 3 का स्क्वायर और माइनस में 8k माइनस में यह 8 हो जाएगा और फिर माइनस में 9, समझ रहे हैं ना बात को, इसमें इसे इंटू कर दिए। अब देखो इसका वैल्यू मैं यहाँ से लूंगा 8 लेमडा और ये दोनों उधर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पे इसका वैल्यू 8 लेमडा प्लस में 8k प्लस में 9 इंटू में 3 का स्क्वायर और माइनस में 8k और ये 8 9 हो जाएगा माइनस का 17 हो जाएगा ना 17। चलिए आगे बढ़ते हैं आप, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 8 72, 3 का स्क्वायर 9 8 72, 3 का स्क्वायर 9 99 81 माइनस का 8k और माइनस का 17। यहाँ पे देखो 72 लेमडा इसमें से यह घट जाएगा, देख रहे हैं ना, तो 64 हो जाएगा, 64 के देख रहा हूँ घट जाएगा इसमें से 8, तो आपका 64 के और 81 में से 17 घटाएंगे तो 81 में से 17 घटेगा तो 4 7 64 यहाँ भी आएगा, तो यहाँ से हम लोग 8 आसानी से कॉमन कर सकते हैं कि नहीं। 9 लेमडा प्लस 8 के और प्लस में 8, तो देख रहे हैं 8 का मल्टीपल हो गया कि नहीं, 8 संख्या 8 से भाज्य है, यह संख्या 8 से भाज्य है। अतः n बिलोंग्स टू n के लिए हमारा जो कथन पीएन था वह सत्य है, समझ गए।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बचे हुए दो क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in या आप सर्च करेंगे गूगल पे आपका आ जाएगा और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।